हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूं क्या आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है। जैसे कि पता है करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर महीने जो आपके करंट अफेयर्स होते रहते हैं, कौन कौन सी घटनाएं कहाँ पे हुई, नेशनल लेवल की घटनाएं हो गई, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, पर्सनल न्यूज, सबमिट जितने हुए, मिसलेनियस टॉपिक्स हुए, तो पूरे आपके महीने भर के करंट अफेयर है एक एक करके ले आने वाला हूं। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क किया गया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इधर उधर कहीं पर भी आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि PIB जाए, आपका करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इसी को देख लेंगे। पिछले 3-4 महीने का हम लोग अगर करंट अफेयर करा देंगे तो पूरी अच्छे तरीके से आप क्या कर लोगे, करंट अफेयर का जो सेक्शन आएगा आपका, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को करने में सफल रहोगे। तो चलिए उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनके आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन को भी ऐड कर दिया है ताकि उससे रिलेटेड आप सारी चीजों को देख लेंगे तो एक पूरा बैकग्राउंड फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। दिस इज ऑल अबाउट मी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अभी हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो उनका नाम क्या है, ध्यान में रखिएगा, एसएन सुब्रमण्यम है। ठीक है ना, एसएन सुब्रमण्यम को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है ना, और ये चीज जो उसके साथ अगली स्लाइड में मैंने सबके साथ ऐड की, आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन, मतलब उस चीज से जो सुब्रमण्यम को बनाया गया उनके बारे में। CUN मैनेजिंग डायरेक्टर LNT के हुआ करते थे, अब इनको क्या बना दिया गया है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन। तो ये सारी चीजें आप PDF के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो इससे क्या हो जाएगा, तो पूरा उससे उस इवेंट से जो अपॉइंट हुआ है या कोई और घटना है तो उस चीज से क्या होगा, आपका माइंड मेकअप तैयार हो जाएगा। तो माइंड मेकअप कोई तैयार हो जाएगा तो चीज भूलेगा नहीं, क्योंकि फैक्ट है। अभी मैं यहाँ 50-60 क्वेश्चन का फैक्ट बना दूंगा, इसका बी, इसका ए, इसका ये वो ये सारी चीजें, तो फिर होता क्या नहीं, कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। फैक्ट तो आप डेली अपने अंदर ले ही रहे हो, कितने ढेर सारे फैक्ट आप पढ़ रहे हो। तो जब आप उस चीज का कोई बैकग्राउंड पढ़ लोगे, उस चीज से रिलेटेड कोई चीज आप ज्यादा थोड़ा जानकारी दिमाग में रख लोगे तो बैठ जाएगा। तो इसलिए भी जरूरी है, उस चीज के बारे में मैंने ऐड कर दिया है ताकि आपका दिमाग में पूरी तरीके से बसा रहे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में फरवरी मंथ में आपके मनाया गया कि आपका जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ करता था, तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था तो उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, या कौन सा उस इंसिडेंट का कौन सा इवेंट मनाया गया, एनिवर्सरी मनाई गई, ये आपसे पूछा जाएगा। तो कौन सी थी आपकी ये 75वीं, 100वीं या 50वीं, 125वीं, तो वो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है ना, इसलिए लाइमलाइट में ये मुद्दा था, मोदी जी ने इसका वो किया, रावण वगैरह किया था, एक स्टाम्प भी आपकी क्या कहते हैं, स्टाम्प भी लॉन्च किया गया, तो ये 100वीं वर्षगांठ थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया आपसे कि ये चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 4 फरवरी 2021 को मनाया गया, तो द इवेंट मार्क्स विच एनिवर्सरी ऑफ द इवेंट, तो कौन सा था, 100वां साल था। ठीक है ना, भूलिएगा मत। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके हाल ही में अभी अध्यक्ष या प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, कौन बनाया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इन इंडिया, तो आपको आप बताओगे क्या है वो, कौन किनको नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, वेरी गुड। ये आपके किसके बारे में है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अभी अगर क्वेश्चन बन जाए, पता चला आपने तो किसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसको पढ़ लिए, इसका नहीं पढ़े कौन कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंड आपके न्यू दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अगला है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू रिसीव कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम विच कंट्री, यानी जो हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज है दुनिया की पहली कंपनी हो गई है जो कंसाइनमेंट रिसीव किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल किस देश से। तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो वो सही जवाब आपका क्या है, वो कहां से रिसीव किया है, यूनाइटेड स्टेट यानी USA से ये कंसाइनमेंट रिसीव किया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पूरा आपको बैकग्राउंड पूरा पता चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को बट डिस्कस कर दे रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन को भी पूरा बताने चलूंगा तो फिर बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है ना बच्चों,
तो अगला क्वेश्चन आपसे, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अभी हाल ही में अपने देश की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है, उनका क्या नाम है? Who among the following has achieved the featuring of the becoming the youngest female pilot of India? तो उनका नाम क्या है? आयशा अजीज। ये इनका जो आपका चित्र दिख रहा है, आयशा अजीज जी हैं, ये अपने देश की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी, ठीक है ना। चलिए ये चीजें इनके बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, एरो इंडिया 2021 अभी जल्दी में इसको मनाया गया, इन विच एडिशन, कौन सा ये आपका एडिशन था जो एनुअल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन आपका हुआ? तो एरो इंडिया 2021 का कौन सा एग्जीबिशन था आपका, कौन सा एडिशन था? 13वां एडिशन था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखो। 15वां, 13वां, 12वां, 11वां जो पूछेगा तो आप क्या बताओगे? दैट वाज 13th, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जाता है हर साल, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंक्रीज किया जाता था? डेमोक्रेसी इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है ना, नाम मत बोलना। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट आपकी हर साल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करती है। हमारे देश का कौन सा स्थान आया है? 53वां स्थान आया, ठीक है ना। 167 देशों के बीच ये आपका इंडेक्स आपका जो बनाया जाता है, 1 से 10 का स्केल रखा जाता है, 0 से 10 के बीच में। तो हमारे देश को क्या मिला है? 6.61 पॉइंट मिला है 10 में से, 6 नंबर पाया, 6.61 नंबर। इसी के साथ ये कौन से स्थान पे? 53वें, 2 पॉइंट खिसक गया बेचारा। फिर उसके बाद किस टॉप पे कौन है? नॉर्वे टॉप पे है, फिर आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, आपका कनाडा, ये सब सॉरी टॉप 5 कंट्रीज में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में फिलहाल में क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरिम डायरेक्टर के, किसके? सीबीआई के। तो किसको बनाया गया है इंटरिम डायरेक्टर सीबीआई का, और उनका नाम क्या है? प्रवीण सिन्हा जी को बनाया गया है आपके, किसके डायरेक्टर? सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर, ठीक। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तुरंत बताना, ठीक बेटा, ठीक है। ये 88 बैच के सीबीआई आईपीएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने किसका नाम अपना लिया है? अभी हाल ही में आर के शुक्ला जी का स्थान ग्रहण करेंगे, जिनका समय खत्म हो रहा है। अभी आपके हाल ही में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया, तो किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया, किस साल, मतलब किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो बताइए जरा, जो आपका कोरोना वायरस था, इतना आतंक मचा के रखा था, इतना बड़ा पेंडेमिक था, तो कौन सा ऐसा स्टेट या यूटी है, आपका केंद्र शासित प्रदेश या कोई स्टेट है जिसमें आपका कोरोना खत्म हो गया पूरी तरीके से? अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो नाम बताया कि आपका कौन सा इंडियन स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कोविड-19 वायरस एज पर द डेटा रिलीज बाई हेल्थ मिनिस्ट्री। तो वो आपका स्टेट कौन सा है? स्टेट तो नहीं है, लेकिन ये यूटी है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पूरी तरीके से आपका कोरोना खत्म, आप जाके वहां घूमिए टहलिए, कोई टेंशन नहीं, नो मास्क वगैरह। 4,932 तो केस थे पूरा साल भर में, जिसमें 62 लोग मरे। सोचिए जितना केस आपके दिल्ली बंबई रोज आ रहा है, उतना वहां पूरा कोरोना के टाइम ही आया, ठीक है ना। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कौन सा पहला स्टेट या यूटीज है जो कोरोना खत्म हुआ, तो आप बस जाने रहो अंडमान एंड निकोबार, ठीक, इतना काम की चीज है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड अपना एक बना रहा है, आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बना रहा है? तो दुनिया में कौन सा देश है? तो आप उस देश का नाम क्या बताओगे? डेनमार्क है उस देश का नाम, ठीक है ना बच्चों। वेरी गुड, एकदम सही, सारी चीजें एकदम पढ़ लो, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन पूछो जहां से पूछना हो। तो ये पूरा जो आपका बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड, इसके बारे में सारी चीजें हैं, इसमें पढ़िए कैसा क्या क्या किया जा रहा है, भी आपको पूरी तरीके से उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या क्वेश्चन है, नेम द पेमेंट प्लेटफॉर्म, उस पेमेंट प्लेटफॉर्म को बताइए, जैसे आपका पेटीएम है, फोन पे है, दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है जो कि अभी डिसाइड किया है टू स्टॉप डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2021, यानी 2021 से हम अपना डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस खत्म करने वाले हैं। तो वो कौन सी कंपनी है बच्चों? पेपल पे, यू, अमेजन पे या गूगल पे? तो आप सोच रहे होंगे गूगल पे अमेजन पे तो अभी चल रहा है, ऐसा कैसे होगा, ये पे यू एंड पेपल में दिक्कत लग रहा है। तो आप अगर करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा एलन मस्क की वो कंपनी है, और कौन सी कंपनी, अब तो दिमाग में आ गया होगा। द राइट आंसर इज पेपल, ठीक है ना। पेपल ने अपना क्या कर दिया है कि 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पे सारा काम धाम अपना खत्म कर रहा है, और क्या बोला है कि भैया हम फोकस करेंगे, फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस वगैरह पे, ठीक है ना। तो
ये सब इसका एक्सक्यूज वगैरह है। अगला क्वेश्चन है कि जो अभी एरो इंडिया की हमने बात की 2021 का जो कि 13वां एडिशन मनाया गया था, उस एडिशन में जो एमयू साइन हुए हैं, कितने एमयू साइन हुए हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कितने साइन हुए हैं, तो ध्यान में रखना बच्चों 201 एमयू साइन हुए हैं, ठीक है ना। पूछ लेगा 301, 111, 201, 401, तो क्या बताओगे आप, 201 एमयू साइन हुए, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज उसके अंदर थी, आपके एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें थी सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अभी आपका हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है, ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है ना, मेमोरियल है आपका ब्यूटीफुल थिंग, तो किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी किताब है, तो आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, मारिया बोस्टोनवा, मेलियाना ट्रंप, हंटर वाइडन, इवांका ट्रंप, तो वो कौन है, हंटर वाइडन की भी एक बुक आई है ब्यूटीफुल थिंग्स। हंटर वाइडन कौन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति महोदय है उन्हीं के पुत्र महाशय है, ये पुत्र है इनके हंटर वाइडन, इन्होंने पूरी अपनी किताब लिखी है, बायोग्राफी सारी चीजें लिखी हैं कि कैसे कैसे मैं एडिक्टेड हुआ करता था, पहले बहुत ड्रग्स वगैरह लिया करते थे, बड़ा ज्यादा एकदम वो हुआ करते थे, आउट ऑफ कंट्रोल थे अपने पिता से, तो अब धीरे धीरे कैसे क्या क्या सुधरे हम, कैसे क्या क्या, पूरा अपना बायोग्राफी लिखी है, तो ये हंटर वाइडन के द्वारा लिखी गई ब्यूटीफुल थिंग्स, अभी हाल में जो ये आपकी किताब है, ध्यान में रखना ये वही है आपके हंटर वाइडन, ये जो वाइडन साहब, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, कमेटी होती है, तो उसके हाल ही में मीटिंग वगैरह हुआ, तो इसमें कहा गया कि फिजिकल फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2021-22 होगा, तो हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या होगा, तो व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 एज पर द आरबीआई लेटेस्ट एमपीटी में, तो कितना रखा गया है आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ, 10.5%, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ठीक है, भूलना मत, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिसी रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया, MRF कितना हो गया, बैंक रेट, CRR कितना है, SLR कितना है, ये भी हमें जानने की जरूरत है, बाकी आपका 10.5% आपका हो ही गया, ठीक है ना, इतना ध्यान में रहेगा ना, वेरी गुड। ये आपको जो महिला दिख रही है, इनको अभी हाल ही में WTO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो इन महिला का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जाएगा, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल हु हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी की, सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन अपने देश में कहां से बनेंगे जानते हैं बच्चों, तो अपॉइंटमेंट वगैरह तो बनता है किसकी नियुक्ति हुई, अपने यहाँ का कोई अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी का अपॉइंटमेंट वगैरह होता है तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अपॉइंटमेंट के 50 अपॉइंटमेंट आपने तैयार करके रखे हैं, तो उसमें से आपको फिल्टर करना है कि जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या जो इंटरनेशनल अपने यहाँ के जो इंटरनेशनल बॉडीज में अपॉइंटमेंट, जैसे हर्षवर्धन साहब का भी WHO में हुआ, ध्यान रखना इस चीज को, फिर WTO हो गया, IMF का हो गया, कोई IMF के या UN की कोई बॉडी हो गई, उसका कोई डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी जनरल बदला, ये सब पूछे जाते हैं, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो WTO के भी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, नगोजी अकोंजो इवाला को, ठीक है ना, ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये उन्हीं की चित्र है, अभी पूछ लिया जा सकता, पता चला आपने नाम वगैरह रट लिया है, किसको बनाया गया, पता चला WTO का हेडक्वार्टर नहीं पता है, तो भी देखो ऐड कर दिया हूँ, जनेबा में स्थित है WTO का हेडक्वार्टर जो कि स्विट्जरलैंड में, WTO बना कब, 1995, इसका क्या करेगा, लोग सोचेंगे कि बच्चे सब करंट में WTO था पढ़ लिए हैं, लेकिन चलो कुछ स्टैटिक पार्ट पूछ लेंगे, तो पूछ लेगा इन विच ईयर WTO आज एस्टैब्लिश, तो पता चला हो सब पढ़ लिए, यही नहीं पढ़े, तो हर चीज आपको थोड़ा बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन चूजन बाय नासा फॉर इट्स स्फीयर एक्स मिशन, बनाया गया है टू परफॉर्म ऑल स्काई सर्वे, तो वो कौन सी कंपनी है आपके, एलन मस्क साहब की स्पेस एक्स, ठीक है ना, इसको पूरी जिम्मेदारी मिल गई है नासा के द्वारा कि भैया तुम अपना सर्वे और पे करो और ऊपर कोई दिक्कत नहीं, तो कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स, ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, यानी कौन सी ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट स्थापित करने जा रहा है, तो वो कौन सा देश है आपका, साउथ कोरिया, ठीक है ना, ध्यान में रखना, और यहाँ पे सारी जानकारी है, 8.2 गीगावाट्स का प्रोडक्शन करने वाला है, 2030 तक क्या कर देगा, उसको पूरा कर देगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है किस साल तक पूरा करेगा, कितनी कैपेसिटी है, तो हर चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है बच्चों।
अगला, नेम द सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च बाय फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में एक सेविंग स्कीम लॉन्च किया है जो कि 18 साल से कम बच्चों के लिए वो सेविंग स्कीम है, तो उस सेविंग स्कीम का क्या नाम है? तो देयर आर फोर ऑप्शन, चार ऑप्शन इसी तरीके से आ जाएंगे, आपको बताना होगा सही जवाब क्या है। तो सही जवाब इसका है, वो स्कीम का नाम है फेड फर्स्ट है, जो बिलो 18 ईयर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई। इसमें ये सारी चीजें होंगी, सेविंग अकाउंट खोल दो सारी चीज होगा, इतना 2500 से ज्यादा निकाल नहीं सकते, ये सब उसके क्या है फीचर्स वगैरह। बात नहीं समझ में आ गई, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अभी हाल ही में एक म्यूजियम डेडिकेटेड टू फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कोडंडेरा सुब्बाथिमैया, इतना प्यारा नाम है, हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन विच स्टेट, किस स्टेट में इनको आपका इनका घर वगैरह हुआ करता था, या पूर्व आर्मी चीफ थे तो इनके घर को ही पूरा डेडिकेट कर दिया गया, क्या बना दिया गया, म्यूजियम बना दिया, उनका जितना अस्त्र शस्त्र सब सारी चीजें म्यूजियम में घोषित कर दिया गया। तो कहाँ के थे वो, तो वो कहाँ के थे महानुभाव जो आर्मी चीफ हुआ करते थे, कर्नाटक के थे, ठीक है ना बच्चों, ध्यान में रखना, ठीक, ये सारी चीजें उनके सामने है, 57 से लेके 61 तक के पूरा क्या रहे हमारे देश के आर्मी के स्टाफ के चीफ थे, ठीक। अभी हाल ही में वो कौन सा स्थान है जहां पे इंडिया यूएस बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 20, तो कहां पे है, राजस्थान में हुआ, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे ना, राजस्थान में हुआ यूएस और इंडिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक बच्चों, ठीक, वेरी गुड। ये आपका 16th एडिशन था, ये भी ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन था तो हमें याद में रखना है। अगला है, नेम द क्रिकेट प्लेयर, उस क्रिकेट प्लेयर का नाम बताइए जो अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है, और वो कौन है आपके, ऋषभ पंत, मेल में ऋषभ पंत है, अगर फीमेल में भी पूछ ले तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है सबनीमल इस्माइल नाम है, ठीक है ना, सबनीमल इस्माइल है, कहाँ की है, साउथ अफ्रीका, मेल में आपके ऋषभ पंत साहब है और ये आपके सबनीमल इस्माइल आपकी फीमेल में, ठीक। चल अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अगर हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बीन अवार्डेड विद द एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 का, किसको मिला है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो वो कौन है आपके, स्टीव स्मिथ, ठीक है ना, स्टीव स्मिथ को मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्लेयर है एक आपके अख्तर अली, जो ये है अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो ये किस खेल से संबंधित थे, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है ना, तो ये किससे संबंधित थे, टेनिस, इनकी खेलते हुए फोटो लगा दिया हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला है, तो आप देखेंगे तो वो तो टेनिस खेलते थे, एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो बता दोगे, ये तो आपको जानकारी के लिए लगा दिए हैं, तो यहाँ पे देखो टेनिस खेल रहे तो आपका आंसर तो आ ही गया, लेकिन एग्जाम में इस तरह बोलेगा नहीं, तो विजुअल फॉर्म में आपके रख दिए हैं, तो टेनिस इज द राइट आंसर, जो अख्तर अली खेला करते थे, अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दाल दिवस, ठीक है ना, इज ऑब्जर्व विच डे, डिजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो विश्व पल्सेस डे कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना, भूलने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया गया, मनाया वगैरह वही लोग करते हैं अपना। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्ड एमओयू विद द इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सहतूत डैम, सहतूत डैम बनाना है, तो अभी हाल ही में किस देश के साथ इंडिया ने क्या किया, समझौता साइन किया, तो देश का नाम क्या है, अफगानिस्तान बच्चों, ठीक है ना, बोलेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान के साथ सहतूत डैम बनाने फैसला किया गया, किस नदी पे आपका है ये, काबुल नदी पे, ठीक, बिल्कुल भूलेंगे नहीं ना, भूलना मत, एकदम करंट में आएगा सब बता देना, ठीक। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बैड, ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बैड इंडिया ने अभी क्या किया है, फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है, तो कहां पे इसको एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, तो वो आपका क्या है, उड़ीसा में, ठीक है ना, ध्यान रखना, भूलना मत, मध्य प्रदेश हो ही नहीं सकता, वहां थंडरस्टॉर्म वगैरह इतना कैसे आएगा, महाराष्ट्र में नहीं आता, तमिलनाडु आता है, लेकिन वो हो नहीं सकता, इसलिए आपका उड़ीसा इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए, अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने क्या किया है, कोबरा, आप जानते हैं कोबरा बटालियन होता है, तो उसमें कितनी महिलाओं को जगह दिया गया है, तो याद रखना बच्चों, 34 महिलाओं को जगह मिला है आपके कोबरा बटालियन में, कोबरा का फुल फॉर्म कमांडो बटालियन फॉर द रिजोल्यूट एक्शन यूनिट, ठीक है ना, ये आपका कोबरा में 34 महिलाओं को जगह दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार हैज रिसेंटली लॉन्च सांस कंपेनियन, अभी हाल ही में उसने सांस कंपेनियन को लॉन्च किया है, टू कर्व डेथ रेट अमंग इन्फेंट, मतलब जो बच्चे होते हैं तो उनके डेथ रेट को कम करने के लिए क्या, वो कौन सी बीमारी को कम करने के लिए ये आपकी कंपेनियन चलाई गई, जिसका नाम है सांस कंपेनियन, तो ध्यान में रखना, वो बीमारी का नाम है निमोनिया, ठीक है ना, निमोनिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में बंसी कौल जी का निधन हो गया है,
तो क्या थे बंसी कौल जी? तो क्या थे? ना कि जर्नलिस्ट, माउंटेनर, क्लासिकल सिंगर, थिएटर डायरेक्टर, क्या थे वो? थिएटर डायरेक्टर थे, ठीक है ना। पद्मश्री इनको मिला था, संगीत नाटक अकादमी मिला था, तो ये सब आपके इनके ऑनर या सम्मान वगैरह सारी चीजें इनको मिली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। चलो वेरी गुड। 2021 का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल मनाया गया बांग्लादेश में, तो वो कौन सा एडिशन था? व्हिच एडिशन वाज 2021 का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जो मनाया गया, तो वो आपका कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था, ठीक है ना। बोलेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 अभी ऑर्गेनाइज किया गया, तो किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर? तो कहां पे किया गया बच्चों, ध्यान में रखना, वो शहर का नाम बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, अभी हाल ही में फेसबुक ने किस देश के लोगों को किस प्लेटफॉर्म पे समाचार को एक्सेस करने से रोक दिया है? यानी फेसबुक हैज ब्लॉक्ड व्हिच कंट्रीज पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग न्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो कौन सा वो देश है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से रोक लगा दी कि न्यूज़पेपर वगैरह ये सब आप यूज नहीं कर सकते, फेसबुक वगैरह। ठीक, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। ये रहे आपके अजय मल्होत्रा, ना कि अर्जुन मल्होत्रा, भी दे देगा अर्जुन मल्होत्रा, अजय मल्होत्रा, विनय अग्रवाल, सी विजय कुमार। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अजय मल्होत्रा। इनके बारे में सारी जानकारी है, देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द कॉस्टलियस्ट एवर प्लेयर एट आईपीएल 2021 ऑक्शन फॉर राजस्थान रॉयल। तो अभी हाल ही में आपका ऑक्शन प्लेयर हुआ है, मतलब नीलामी हुई है आईपीएल के खिलाड़ियों का, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लेयर को सबसे महंगा नीलामी प्लेयर उसमें घोषित किया गया है, तो क्या नाम था उनका? क्रिस मोरिस को, ठीक है ना, क्रिस मोरिस, नाम मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलो अगला, कैप्टन सतीश शर्मा, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो सतीश शर्मा, कैप्टन सतीश शर्मा क्या थे? मतलब वो एक राजनीतिज्ञ थे, राइटर थे, सिंगर थे, जर्नलिस्ट थे, तो वो क्या थे आपके? एक पॉलिटिशियन, मतलब एक राजनीतिज्ञ, ठीक है ना, ध्यान में रखना बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, तो इनके बारे में सारी जानकारी है, पढ़ सकते हैं आप। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव, किस राज्य के में प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की? तो उस राज्य का आपका क्या नाम है? आसाम में शुरू किया, ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पूरी आपकी योजना के बारे में, पूरा इनिशिएटिव के बारे में, अच्छे तरीके से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर? अभी जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह क्या आया था आपका बवाल में, आया था कि इसने हमारी प्राइवेसी वगैरह लेना शुरू कर दिया, ये वो, तो उसी उपलक्ष्य में एनआईसी ने भी शुरू कर दिया अपना एक प्लेटफॉर्म, उसका नाम है संदेश, ध्यान में रखना, संदेश नाम है, जिसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है शुरू किया है, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसे क्या क्या है। ठीक, फिर हाल ही में क्या हुआ, विच कंट्री इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन अभी फिलहाल कौन सा देश अध्यक्ष है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? पता है हमारा देश इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है, तो इस समय फिलहाल उसका करंट प्रेसिडेंट कौन सा देश है? तो रसिया, जापान, इंडिया, भारत, तो कौन सा है? हमारा प्यारा भारत इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेजेंट सोलर अलायंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको भी जान के बड़ी खुशी होगी, कपड़े इंडिया में गुड़गांव में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है ना। 121 यूनियन के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर जनरल इस समय इसके अजय माथुर साहब, ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will United Nations Climate Change Conference be held in November 2021? बहुत बड़ी आपकी क्या होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर संयुक्त बैठक होती है वो कहाँ पे होगा बच्चों? ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ठीक है ना, ध्यान में रखना, जगह का नाम ग्लासगो में होने वाला है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन।
अगला क्वेश्चन आपसे, हु इज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ अमेजोन, जो आपके अमेजोन के सीईओ हुआ करते थे अब कौन होंगे? तो ये जेफ बेसोस साहब तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है, ये पहले हुआ करते थे तब तो होंगे नहीं, तो कट ही गए। बचे चार, तो कौन से हैं आपके? एंडी जेसी, ठीक है ना, एंडी जेसी अब अगले सीईओ होंगे अमेजोन के, ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। नाम याद रखना, पूछने वाला है सब, एकदम फिक्स क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मा स्कीम टू प्रोवाइड मील्स एट 5 रुपीज, यानी 5 रुपए में पूरा गरीब लोगों को आपका 5 रुपए थाली खाना दिया जाएगा, वो माँ योजना के अंतर्गत शुरू किया है। तो किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, वो कौन है? हमारी बहन, बहन मतलब दीदी जिसको कहा जाता, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने, ठीक है, ये आपका उसके बारे में सारी चीजें सामने दी गई है। IFSC अक्सर हम लोग देखते हैं, बैंक से कोई पूछता भैया अपना अकाउंट नंबर भेज दो, उसके बाद IFSC कोड भेज दो, ठीक है ना, तो IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा क्या कर लोगे, तो आपका फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है ना, भूलेंगे तो नहीं, इंट्रा बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किस राज्य में मुफ्त कोचिंग के लिए मुफ्त अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का पंजीकरण खोलने का घोषणा किया गया है, यानी मतलब विच स्टेट हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फॉर द फ्री कोचिंग, मतलब जिन बच्चों को कोचिंग वगैरह नहीं मिलता, प्राइवेट कोचिंग वगैरह बहुत महंगी है, तो वो लोग क्या करें, पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, उसका एक एग्जाम होगा, जो पास होगा उसको फ्री भी कोचिंग मिलेगी। तो कौन सा स्टेट ये लॉन्च किया है? आपका अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? भैया बता दो, हर साल वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब मैं बताने जा रहा हूं आपको, 13 फरवरी हमेशा मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अभी एक फिलहाल एक किताब आई थी जिसका नाम था अनफिनिश्ड अ मेमोरियल, ठीक है ना, अनफिनिश्ड अ मेमोयर, कौन सा, किस किसके लेखक कौन है आपकी? प्रियंका चोपड़ा जी इसकी लेखक है, प्रियंका चोपड़ा, साथ में जोन्स भी नाम लिख दिया गया है उनके हस्बैंड जी, तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स इज द राइटर ऑफ द अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है एक्सटेंशन ऑफ मेट्रो रेलवे सर्विस फ्रॉम नोआपारा टू दक्षिणेश्वर, तो ये किस स्टेट में किया है बच्चों? वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना, दक्षिणेश्वर से लेके नोआपारा के बीच में इनॉग्रेट किया गया है, किस द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में, ठीक। एक बुक है, टाइटल है जिसका नाम राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, तो इसको अभी हाल ही में आपके अमित शाह जी ने लॉन्च किया, तो द बुक इज बेस्ड ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था पे आधारित है? CRPF, इंडियन आर्मी, CISF, BSF, तो सही जवाब क्या होगा? CRPF, अभी 82 वर्ष पूरा हुआ, तो उसपे एकदम किताबें लिखती है, ठीक है ना, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा, ठीक है ना, तो CRPF आपका 1939 में बना, तो उसी के आधार पे सारी चीजें उसमें लिखी गई होंगी। अगला हमारा है, खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एनुअली इन विच स्टेट, किस स्टेट में खजुराहो डांस हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है? खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, सो इस तरह दिमाग लगा दिया, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया, ठीक। आगे चलिए, पूछा जाएगा सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, बताइए बताइए भाई साहब, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे आपका, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी आयोजित किया जाएगा आपका, वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? उसको ध्यान में रखना है आपको, कर्नाटक में मनाया जाएगा, ठीक है ना, कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा खेलो यूनिवर्सिटी गेम 2021 का, ठीक है ना, लास्ट ईयर 2020 का था, भुवनेश्वर वगैरह में हुआ था, इस बार आपका कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म है जो ऑन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड मिला है 2021 का, जिसको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से आपका नवाजा गया है, तो फिल्म कौन सी है बेटा? पैरासाइट, इसको आपको ऑस्कर वगैरह भी मिल गया, कोई हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी फिल्म है, साउथ कोरियन मूवी है, तो ये कोरियन मूवी है, तो आपका पैरासाइट, मूवी का नाम क्या? पैरासाइट, जिसको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला 2021 का बेस्ट फिल्म का, ठीक है बच्चों। अगला है, यहाँ पे क्रिटिक अवार्ड मिला आपका कियारा आडवाणी को फीमेल के लिए, सुशांत सिंह राजपूत को मेल के लिए, ध्यान में रखना। When is the World NGO Day? कब मनाया जाता है World NGO Day? तो आपका कब मनाया जाता है? 27
फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान में रखना, भूलने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप अभी हाल में फिर शुरू कर दिया गया, इसके पहले शुरू किया गया था लेकिन कोविड में बंद कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ओन्ड बाई द विच एंटिटी, किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है, तो इंडियन रेलवे के द्वारा। ये क्या है, यूटीएस ऑन मोबाइल, मतलब अनरिजर्व आप क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल फोन से आप क्या कर सकते हैं, अनरिजर्व टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवे की ये एंटिटी है यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर ऑफ फरवरी। फरवरी का हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से बनेंगे, उस पर हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल आप इन सब सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेना, देख लेना, पीडीएफ सबकी पढ़ लेना, पीडीएफ के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मैंने हर क्वेश्चन के साथ ऐड किया है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये आपके बड़े काम आएगी, पूरा एक माइंड मैप आपका तैयार हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव कि मेरा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक।